कर्नाटक के हुबली शहर में रामसेना के एक नेता का विवादित बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने मुस्लिम समुदाय को धमकी दी है। इस बयान ने क्षेत्र में तनाव को बढ़ा दिया है और प्रशासन को सतर्क कर दिया है। दरअसल ये पूरे बयान के बाद पूरे देश भर के माहौल खराब होने की आशंका है। नेता ने अपने भाषण में कहा कि पहले आप अक्सर बाबर और बाबरी का जिक्र करते थे, हमने बाबरी मस्जिद का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही अपने कब्जे में लिया है। अगर आप हमारे हिंदू समुदाय या पुलिस पर हमला करेंगे तो हम आपके घरों में घुसकर जवाबी कार्रवाई करेंगे। यह बयान धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाला माना जा रहा है। स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने इस बयान को गंभीरता से लिया और स्थिति पर नजर बनाए रखी हुई है। अधिकारियों ने कहा कि वे कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर संभव कदम उठाएंगे। इस बयान पर विपक्षी दलों ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर नेताओं ने इसे सांप्रदायिक सद्भावना के खिलाफ बताते हुए कहा कि ऐसी बयानबाजी से समाज में विभाजन होगा। उन्होंने राज्य सरकार से तुरंत कार्रवाई की मांग की है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए काम करने वाले कई संगठनों और मुस्लिम नेताओं ने इस बयान की निंदा की है। उन्होंने कहा कि यह नफरत फैलाने वाली भाषा है, जिससे समाज में दरारें और गहरी हो सकती हैं। कुछ संगठनों ने भी कानून के दायरे में कार्रवाई की मांग की है ताकि ऐसे बयान देने वालों के खिलाफ लगाम लगाई जा सके। रामसेना नेता के इस बयान के बाद स्थानीय समुदायों में तनाव बना हुआ है। हालांकि अब तक कोई बड़ी हिंसक घटना सामने नहीं आई है, लेकिन प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर है। इस विवाद का असर राज्य की राजनीति और सामाजिक माहौल पर आगे भी पड़ सकता है, जिस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। पुलिस ने हुबली और आसपास के इलाकों में एहतियातन गश्त बढ़ा दी है। संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है।